जब एक ब्राह्मण अध्यापक ने दलित सखपाल को बना दिया भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ये एक ऐसा नाम बन गया है जो भारत के संविधान से लेकर भारत की राजनीति तक में अक्सर सुनने को आता है। भीमराव अंबेडकर को एक तरफ दलित हितों के संरक्षक के रूप में देखा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ऊंची जाति के लोग आरोप लगाते हैं कि ये नाम सिर्फ दलित राजनीति के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। भीमराव अंबेडकर ने हमेशा से ही छोटे, निचले, दलित समुदाय के लोगों के हक की बात कही। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो इस समाज का हिस्सा थे, बल्कि इसलिए किया क्योंकि बाबा साहेब खुद छूत और अछूत का दर्द झेल चुके थे। भीमराव अंबेडकर ने जब से आंखें खोली तब से ही उन्होंने छू अछूत का खेल देखना शुरू कर दिया। बाबा साहेब के दादा ने लंबे समय तक ब्रिटिश हुकूमत में नौकरी की थी, इसी तरह उनके पिता ने भी ब्रिटिश सेना में लंबे वक्त तक काम किया। दलित समुदाय से आने के कारण बाबा साहेब और उन जैसे दूसरे बच्चों को किसी भी चीज के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। एक समय ऐसा भी था कि दलित बच्चों को स्कूलों में जाने की इजाजत नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज के लोगों को पसंद नहीं था कि उनके बच्चे जहां पढ़े वहां दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे भी आते हों। इसका नतीजा ये था कि बाबा साहेब समेत दूसरे पिछड़े वर्ग के बच्चों को शुरू में स्कूल में जाने की मनाही थी, लेकिन फिर काफी मशक्कतों के बाद दलित समाज के बच्चों को भी अब स्कूल जाने की इजाजत मिल गई। इन बच्चों को स्कूल में जाने की छूट तो मिल चुकी थी, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। प्रशासन की तरफ से इन बच्चों को सिर्फ स्कूल में जाने की छूट मिली थी, लेकिन इन बच्चों को क्लास के बाहर बैठाया जाता था। अंबेडकर समेत दूसरे दलित बच्चों को ऊंची जाति के बच्चों से काफी दूर बैठाया जाता था, इतना दूर कि इन दलित बच्चों की परछाई भी सवर्णों तक न पहुंच सके। दो जातियों के बीच फैला ये भेदभाव यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे कहीं आगे था। भेदभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंबेडकर या उनके साथियों को अगर कभी प्यास लगती तो पानी पीने के लिए भी उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। स्कूल में दलित बच्चों के लिए एक अलग घड़ा रखा गया था। इस घड़े को अंबेडकर या उनके साथियों में से किसी को भी छूने की इजाजत नहीं थी। अगर उनमें से किसी को भी प्यास लगती तो स्कूल का चपरासी आकर उन्हें पानी पिलाता। पानी भी इतनी ऊंचाई से उनके मुंह में गिराया जाता था कि किसी पर भी पानी की छींटे न पड़े। अंबेडकर के दिल में ये बात काफी हद तक चुभ गई थी, इसलिए ही उन्होंने इस पूरे वाक्य पर एक कविता ही लिख डाली थी। अंबेडकर की इस कहानी का शीर्षक था नो प्यून नो वाटर। अंबेडकर के स्कूली दिन बहुत मुश्किलों से कट रहे थे, लेकिन इसी स्कूल में एक वाक्य ऐसा हुआ जिससे भीमराव अंबेडकर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दरअसल स्कूल में एक ब्राह्मण व्यक्ति ऐसा भी था जो अंबेडकर को नीचा नहीं दिखाता था। ये ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर के अध्यापक थे। बाबा साहेब के गुरु को हमेशा से ही उनमें एक अलग प्रतिभा दिखाई देती थी। वो हमेशा उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। ये बाबा साहेब के ब्राह्मण गुरु ही थे जिन्होंने समाज में फैल भेदभाव के खिलाफ उन्हें लड़ने की प्रेरणा दी। वो बार बार अंबेडकर से कहते कि देश का विकास बराबरी में है न कि भेदभाव में। उन्होंने बाबा साहेब को बताया कि बराबरी हासिल करने के लिए लड़ना होगा। कहते हैं कि ये वही अध्यापक थे जिनके कहने पर बाबा साहेब ने अपने नाम के आगे से सखपाल हटाकर अंबेडकर लगा लिया था। अंबेडकर के ये ब्राह्मण अध्यापक हमेशा उसे सिखाया करते थे कि कैसे उसे समाज में हर चीज हासिल करने से रोका जाएगा, लेकिन उसे रुकना नहीं है। ये अंबेडकर के गुरु की मेहनत ही थी जिसके चलते दलित समाज का ये युवक न सिर्फ आगे बढ़ा बल्कि आगे चलकर संविधान का रचनाकार और कानून मंत्री बना। देश आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान और समाज में बराबरी के लिए जानता है, लेकिन कहते हैं कि बाबा साहब अपने इस उपलब्धि के पीछे अपने गुरु को याद किया करते थे, वही गुरु जो समाज के खिलाफ जाकर उनके साथ खाना भी खाया करता था।